नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ एशिया कप 2021 की होस्टिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ा हाइप यहाँ पर बन गया और एशिया कप 2021 अब कैंसिल भी हो सकता है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से घुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा व अंतिम टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन के दी गाबा के मैदान पर खेला जा रहा है। खेल का पांचवा दिन आज शुरू हो चुका है, लेकिन भाई आज के खेल के साथ साथ बहुत ही बुरी खबर यहां पर मौसम विभाग की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हां, मौसम विभाग ने ऐसा बिल्कुल साफ कर दिया कि आज के दिन में यहां पर बारिश के आने के 80% से भी ज्यादा चांसेस है। यानी भाई कहीं ना कहीं बारिश आज के खेल को जरूर यहां पर प्रभाव डालने वाली है, जरूर यहां पर गेम को खराब कर सकती है। लेकिन आप सभी को पता है कि भाई इस मैच में भारतीय टीम ने जबरदस्त अंदाज से कमबैक कर लिया है। सबसे पहले भारत के लोअर मिडल ऑर्डर की तरफ से हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और उसके बाद यहां पर मोहम्मद सिराज की जबरदस्त गेंदबाजी ने भारतीय टीम के इस महामुकाबले में काफी ज्यादा शानदार अंदाज से वापसी करा दी। यदि आज के महामुकाबले में बारिश बाधा नहीं बनती तो भाई इस मैच का रिजल्ट आना यहां पर तय है। यहां पर मेरे ख्याल से भारत का पलड़ा थोड़ा सा हैवी नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय टीम यहां पर इस मैच को जीत भी सकती है। लगभग 300 के आसपास रन यहां पर भारत को जीत के लिए चाहिए, लेकिन अगर यहां पर इस मैच में एक बार भी बारिश आ गई तो इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल तय हो जाएगा और मैच यह ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया जीरो सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हम यहां पर खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अभी से कुछ टाइम पहले बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, जहां पर बीसीसीआई ने फाइनल डिसीजन यही सुनाया था कि भाई 20 जनवरी से पहले सभी टीमों को अपने रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। तो भाई कल यहां पर यह फाइनल मीटिंग होने के लिए जा रही है, जहां पर हमें सभी टीमों के फाइनल रिलीज्ड और रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट ऑफिशियली मिल जाएगी। जी हां, टीवी पर भी यह लिस्ट हमें लाइव दिखाई देने वाली है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टार स्पोर्ट्स पर भारतीय समय अनुसार शाम के 6 बजे से टेलीकास्टिंग होने वाली है, जहां पर सभी टीमों के रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट ऑफिशियली जारी की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशिया कप 2021 को लेकर। जी हां, एशियन कंट्रीज फिलहाल एशिया कप 2021 को लेकर एक्साइटेड थी, क्योंकि पिछले साल का एशिया कप भी यहां पर कोविड-19 के चलते रद्द हो गया था और यहां पर सभी लोगों को बेसब्री से एशिया कप 2021 का इंतजार था। लेकिन भाई कल यहां पर बीसीसीआई की तरफ से इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भाई एशिया कप 2021 में भारत की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम का जो पीछे क्रिकेट छूट गया है, पिछले साल जो बड़ी बड़ी सीरीजें यहां पर पोस्टपोन हुई थी उन सभी को यहां पर रीशेड्यूल किया जाएगा। भारत अपने होम सीजन में यहां पर बिजी रहने वाला है, जिसके चलते भारत एशिया कप 2021 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हालांकि यह अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं आया, केवल ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो भाई एशिया कप 2021 को भी यहां पर कैंसिल कर दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंग्लैंड टीम के भारत दौरे को लेकर। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई फरवरी के महीने में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 12 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 वनडे 4 टेस्ट और 5 टी20 मैचों की सीरीज होने वाली है। आगाज यहां पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगा और भाई कुछ बड़ी खबर यहां पर इस सीरीज के रिगार्डिंग निकल कर आ रही है। रिपोर्ट कुछ ऐसी कि भाई शुरुआती 2
टेस्ट मैचों के लिए आज यहां पर भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार शाम के 5 बजे बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। भारतीय टीम में हमें काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही यहां पर स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट होगी तो सबसे पहले अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज को लेकर ही है। इस सीरीज के दौरान हमें दोनों टीमों में यहां पर काफी सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम में यहां पर भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा, ये दोनों इंजर्ड खिलाड़ी कमबैक करने वाले हैं। वही दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, रोरी बर्न्स, ये तीनों खिलाड़ी सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले। और वही बहुत ही बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड के ये जो तीनों खिलाड़ी है भारतीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रणजी ट्रॉफी 2021 को लेकर। आप सभी को मैंने बताया था कि भाई 17 जनवरी को बीसीसीआई की यहां पर एपेक्स मीटिंग हुई थी, जहां पर रणजी ट्रॉफी 2021 को लेकर भी बीसीसीआई को अपना फाइनल डिसीजन सुनाना था। फिलहाल जो मीटिंग्स थी उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भाई बीसीसीआई यहां पर रणजी ट्रॉफी को 2 पार्ट्स में होस्ट कराने के लिए प्लान कर रही है। आईपीएल 2021 से पहले यहां पर ग्रुप्स के जितने भी मैच होते हैं वो हो जाएंगे, और भाई आईपीएल 2021 के बाद हमें नॉकआउट और प्लेऑफ्स के मैच देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के दौरान भी यहां पर रणजी ट्रॉफी 2021 के ऊपर बीसीसीआई ने अपना कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया है। अभी यहां पर इसको वेटिंग में रखा गया, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। और यहां पर जब अगली मीटिंग बीसीसीआई की होगी तो उस मीटिंग के दौरान रणजी ट्रॉफी 2021 को लेकर जो प्रॉब्लम है उसको भी शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आज 19 जनवरी 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।